नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोरल ड्रॉ का फिजिक्स नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पॉलीलाइन टूल के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बेजियर टूल, पेन टूल और फ्री हैंड टूल जैसे टूलों पर बता दिया आपको कि कैसे कहाँ कब यूज किया जाता है इसका और इससे कैसे सेप क्लिक की जाती है। तो आज जो बात करने वाले हैं, हम पॉलीलाइन टूल के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप हर चैनल पर नए हो तो आप पिछली वीडियो को देखने के लिए कोरल ड्रॉ से संबंधित चैनल पर जाएं। हो सके तो यदि आपको अच्छे वीडियो लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज का नया टॉपिक पे बात करते हैं पॉलीलाइन टूल के बारे में। देखिए दोस्तों, आप जब मैंने आपको फ्री हैंड टूल, पेन टूल और बेजियर टूल के बारे में बता दिया है, जैसे कि फ्री हैंड टूल क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है क्लिक करते ही, ठीक है। और बेजियर टूल में क्या होता है फ्रेंड, यहाँ आपको क्लिक करते ही आपको कोई लाइन नहीं बनेगी, जहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ क्लिक के आधार पर वो अपनी लाइन क्रिएट कर लेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बीजे टूल ये काम करता है। और ये पेन टूल है फ्रेंड, पेन टूल और आपका ये पॉलीलाइन टूल, ये दोनों एक ही काम करते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। कैसे देखिए, जब मैं पेन टूल यूज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि मैं क्लिक करता हूँ तो ये जुड़ा रहता है, ठीक है। ठीक, बात करते हैं एंड जो मैं बात करने वाला हूँ पॉलीलाइन टूल के बारे में, तो ये आपके पेन टूल जैसा ही काम करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक और क्लिक करता हूँ तो देखिए बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए दोनों एक ही काम करते हैं, बस यहाँ पर आपका जो पेन टूल है और जो और पॉलीलाइन टूल एक ही काम करते हैं, बाकी के सब जो आपके फ्री हैंड टूल है, बेजियर टूल है, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट काम करते हैं इनसे, ठीक है। तो आप पेन टूल का भी यूज कर सकते हो और आप पॉलीलाइन का टूल भी यूज कर सकते हो कोई शेप क्रिएट करने से। अब चलिए मैं एक शेप बनाता हूँ पॉलीलाइन टूल से, आपको बताता हूँ कैसे यूज की जाती है। चलिए मैं शेप ले लेता हूँ छोटी सी कोई, ये वाली, ठीक है। चलिए मैं ये शेप बनाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए लाइन ड्रॉ नहीं हुई, ब्रेक नहीं हुई, ये क्लिक करता हूँ तो ये हमारी शेप बन गई। यहाँ पर डबल क्लिक लगातार करना पड़ेगा तब जाके ब्रेक होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना जी। देखिए चलिए एक और बना देता हूँ मैं, चलिए ये शेप बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लिक करता हूँ, सेकंड करता हूँ, फिर करता हूँ, फिर करता हूँ, फिर करता हूँ, ये देखिए बन गई ये पूरी शेप, ठीक है। तो इसी तरह आपको पॉलीलाइन टूल का यूज करना है, तो पॉलीलाइन टूल में भी पेन टूल जैसा वर्क करता है, यहाँ पर भी आपकी जो ब्रेक शेड्यूल ब्रेक का जो वो रहता है प्रॉब्लम वो नहीं होता, बाकी सब ब्रेक का प्रॉब्लम होता है जैसे फ्री एंड टूल में, ठीक है, और बेजियर टूल में वहाँ पर ब्रेक रहता है बीच में टूटा, लेकिन जी एड रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेफ क्रिएट कर सकते हो और वैसे भी आप इन सभी टूलों से सेफ क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर आपको यूज करना आना चाहिए हर टूल के बारे में कि किससे जल्दी सेव क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये टूल अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपने आज पॉलीलाइन टूल के बारे में समझा होगा। तो आप इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।